उत्तर प्रदेश कैंडिडेट पहले ये वीडियो देखिएगा। ये तीनों वीडियो देखने के बाद दोस्तों मैं दोबारा आता हूँ, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये वीडियो आप लोग देखिए। नमस्कार सर। जी सर, वेलकम है। जी सर, जी सर, जैसा कि मेरा पेपर सर 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट में था। जी, किस तारीख को? 29 सेकंड में। जी जी सर। हाँ तो सर, उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ फायदा मिलेगा सर? मेरे 104 जी सर ओबीसी से। जी सर, देखिए 25 तारीख के बाद जिसका पेपर हुआ है, 25 के बाद, 25 नवंबर के बाद, उन सब का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है। ठीक है, तो जी, तो आपका हो जाएगा अगर 104 प्लस बन रहे हैं, 102 प्लस। हाँ सर, 104 में ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो क्या अगर फाइनल सिलेक्शन तक जा सकता हूँ? हमारा जनरल से 103 सही है, हो जाएगा? जी सर, जनरल से 103 है तो बिल्कुल आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 103 पर। सर जनरल नहीं है, जनरल। हाँ बिल्कुल, जनरल से हो जाएगा। आप सब वो कैंडिडेट हैं जो मतलब तैयारी किए हुए हैं, जब आप लोगों का 103 आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अदर जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी 103 105 ही आ रहा है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है, फाइनल हो जाएगा बिल्कुल आप, में। जी जी फाइनल आपका हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, रनिंग की तैयारी करिए। आप किसमें, किस विभाग में है, आर्मी में या फिर पुलिस में, किस विभाग में है आप? सीआरपीएफ में सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिजिकली तो आप वैसे भी फिट हैं, तो आप बिल्कुल आप फिजिकली फिट हैं, आपका हो जाएगा भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं क्या था कि आप लोगों को कुछ भी अलग से दिखाना। दोस्तों मैं मेरा वीडियो में दिखाने का ये मतलब है कि आप लोगों ने जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं और यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, वो भी हम बिलीव करते हैं। तो अगर ये आप लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते थे कि सर आपको जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जानकारियाँ चाहे जहाँ से मिलती है, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो बता रहा हूं मेरी बात को विश्वास करिए। आप लोगों का जो भर्ती है, ठीक है, भर्ती से संबंधित और जो जानकारियां दे रहा हूं उसको दोस्तों आप लोग ग्रहण करिए और अभी से दोस्तों अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों जानकारी में आगे बढ़ूं, आपका नोटिफिकेशन कब आउट होगा, परीक्षा की तिथि कब आएगी, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मैं यहां पर काफी सारे लोगों का डाउट्स बन रहा था, ठीक है, काफी सारे लोगों का डाउट्स बन रहा था कि यहां पर आपकी भर्ती कब आने वाली है। तो 25 दिसंबर तक, ठीक है, 25 से 30 दिसंबर के बीच आपकी यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ जाएगी। और मैंने दोस्तों एनएमजेएनएम के लिए भर्ती बताया था और एनएमजेएनएम का कल विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आप लोगों से निवेदन है कि 25 से 30 दिसंबर के बाद आपकी 25 से 27,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, अगर आप लोगों को विश्वास हो, क्योंकि यहां पर मेरे जितने भी बताए हुए स्टूडेंट हैं वो सिलेक्टेड हैं और लगातार मैं यूपीएसआई और जितनी भी भर्ती आनी, जितनी भी जानकारियां दे रहे हैं सही और सटीक जानकारी साबित हो रही है। तो प्लीज यार आप लोग तैयारी को शुरू कर दो और ये मार्च में आप लोगों की परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है, मार्च में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और 150 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी, 300 नंबर की होगी और 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा। और एज की काउंटिंग के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो एज की काउंटिंग दोस्तों 1 जुलाई 1999 से 2 जुलाई 2003 तक की जाएगी, ठीक है, 1 जुलाई 1999 से 2 जुलाई 2003 तक की जाएगी। और दोस्तों यहां पर बताना चाहता हूं ओबीसी से है तो यहां पर 1 जुलाई 1994 से 2 जुलाई 2003 तक, वहीं पर एससी से है तो भी उनकी सेम 1 जुलाई 1994 से 2 जुलाई 2003 तक। अगर आप जनरल महिला हैं तो 1 जुलाई 1996 से की जाएगी, 1 जुलाई 1996 से जनरल महिला। ओबीसी की दोस्तों यहां पर 5 साल की और, यानी ओबीसी की महिलाएं 31 साल तक फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, 18 से 31 साल है तो बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। तो ये पूरी अपडेट है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों हम लगातार सही एवं सटीक जानकारी प्रदान करते रहेंगे और प्रदान करते हैं, और हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और आगे भी सिलेक्ट होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।